उसका सहारा ढूंढता है तो किसका सहारा। इससे बड़ी रुकावट तुम्हारे आसपास मौजूद मजहबी दुकानदारों का जाल है। वो भी कहेंगे ये कैसे हो सकता है, उन्होंने तो इससे उल्टी बात ही तुम्हें सिखाई है। उन्होंने तुमसे ये नहीं कहा है कि खुदा तुम्हारे अंदर है, उन्होंने सिर्फ तुम्हें ये बताया है कि तुमसे ज्यादा नजिस, नापाक और पापी कोई और नहीं है। उन्होंने तुम्हें बताया है कि तुम इस कदर गुनहगार हो कि खुदा तुम्हारे अंदर हो ही कैसे सकता है। उन्होंने तो सिर्फ तुम्हें जहन्नुम का खौफ दिलाया है, जन्नत का शौक नहीं। उनकी हजारों साला मेहनत का समर तुम्हारा ये यकीन है कि तुम गुनाह के पुतले हो, तुम जहन्नुम का ईंधन हो। जहन्नुम का ईंधन होने के अलावा तुम्हें अपनी जिंदगी का कोई मकसद दिखाई नहीं देता। ये अल्फाज हैं ओशो के, जो 11 दिसंबर 1931 को हिंदुस्तान में पैदा हुए। ओशो को मौजूदा सदी का अहम तरीन मजहबी, रूहानी और समाजी रहनुमा के नाम से याद किया जाता है। ओशो की फिक्र मजहब और तसव्वुफ से लेकर हर उस पहलू का अहाता करती है जिसके बारे में सवाल करने वाला जहन सवाल कर सकता है। ताहम ओशो को भी दीगर मजहबी और रूहानी शख्सियात की तरह तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। बाज़ नाकिदीन का कहना है कि ओशो जिन्सी आज़ादी के अलमबरदार हैं। बाज़ हल्के ओशो की पुरताइश जिंदगी को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो कुछ लोग मजहबी दकियानूसियत के खिलाफ आवाज बुलंद करने की वजह से ओशो से नाराज नजर आते हैं। लेकिन साहिब फिक्र हल्कों के मुताबिक ओशो मशरकी दानिश के अलमबरदार थे। ओशो ने न सिर्फ इंसान को मगरिब की तंग फिक्र से आजाद करने की कोशिश की बल्कि हर उस इदारे के खिलाफ आवाज बुलंद की जो इंसानी आजादियों का दायरा तंग करना चाहता है और इंसान की फिक्र नजर को मतकूक तसव्वुरात का कैदी बनाना चाहता है। ओशो के यौम पैदाइश के मौके पर रेडियो न्यूज नेटवर्क ने ओशो वर्ल्ड के मौजूदा रहनुमा डॉक्टर वेदांत से राब्ता किया तो उन्होंने ओशो की तालमात का खुलासा कुछ यूं पेश किया। जी डॉक्टर वेदांत साहब, हम आपसे बात करना चाहेंगे ओशो की तालीमात के हवाले से। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही होगा कि आप हमारे सुनने वालों को ये बताइएगा कि ओशो का विजन क्या है। हाँ जी, तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने एक बहुत बेसिक बात ही बताई कि आज जिस तरह का आदमी जी रहा है, जिस तरह से हम जी रहे हैं, ये आदमी तो बहुत पुराना हो गया, इस आदमी की आज कोई रेलेवेंस नहीं है, आज एक नया आदमी चाहिए। इसलिए वो जो शब्द का प्रयोग करते हैं कहते हैं न्यू मैन। न्यू मैन का मतलब यह है कि जो अब नए सिरे से, नए ढंग से, नई समझ से जीने की कोशिश करेगा, क्योंकि पुराने जितनी हमारी समझ है, पुराने सारे ढंग, सारे हमारे ढर्रे जो हैं, पुराने सारे देखने के तरीके जो हैं, वो सब गलत साबित हो रहे हैं। किसी भी लेवल पर हम नहीं जी पा रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी नहीं, इंडिविजुअल लेवल पर भी नहीं, कलेक्टिव लेवल पर भी नहीं, चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि एक नया आदमी का कैसा होगा, तो पहली बात उन्होंने बताया कि नया आदमी वो होगा जो जिंदगी को पूरी तरह से इज्जत देगा, जिसे कहते हैं, वो कहते हैं कि जिंदगी को एक जश्न मानेगा, एक जद्दोजहद नहीं। अगर जिंदगी एक जश्न है, अगर एक गिफ्ट है, एक कुदरत के द्वारा दी हुई अगर गिफ्ट है, तो उसमें आदमी पूरी तरह से उस जीवन को, उस जिंदगी को कितना बढ़िया बनाया जाए, उसमें अपनी पूरी ताकत लगाएगा। हमारा जो जश्न से हमारा लेना देना से होता है कि अगर दिवाली हो या ईद हो तो ही हम जश्न मनाएंगे, या शादी ब्याह हो या बर्थडे हो तो हम जश्न मनाएंगे। ऐसा हर एक बार जश्न मनाने से नहीं होता। कायनात जो है चारों ओर हमारे जश्न मना रही है, हमें उसकी इज्जत करनी है और उसके साथ मिलकर के हमें भी एक नई जिंदगी जीनी है। ये उनका एक पहला फंडामेंटल बेसिक वो है। और उनका दूसरा ये है कहना कि ये जो नया आदमी है ये कहेगा जियो, खुद जिएगा, दूसरों को जीने देगा, इतना ही नहीं लेकिन दूसरे जी सके उसके लिए अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाएगा। क्योंकि आज के हमारे चारों ओर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, मारना तो बहुत आसान है किसी को, लेकिन एक टूटे पेड़ की डाल को अगर जोड़ के दिखा दे कोई तो हम मान जाए, और इंसान तो आज टूटा हुआ है, उसको जोड़ना है। और इस जीने के लिए ओशो कहते हैं होश चाहिए। होश से ही आदमी जी सकता है। अगर हम बेहोशी में जी रहे हैं, अगर हम हमारी पूरी आदतों से जी रहे हैं, अगर हमारी पूरी जो जिस तरह की कंडीशनिंग हम पर पड़ी हुई है, जो संस्कार हम पर पड़े हुए हैं, अगर वैसे जी रहे हैं तो फिर हमें जीना नहीं आया। और ये जो जीना है, ये जो होश है, वो कहते हैं कि तीन लेवल पर होना चाहिए। एक तो जिस्म के लेवल पे, ख्याल के लेवल पे और जज्बात के लेवल पे।
जिस्म का मतलब ये है कि हमें अपने जिस्म का, अपने शरीर का, अपने बॉडी का पूरा ध्यान रखना है, उसको पूरी तरह से हेल्दी रखना है। दूसरा, जो ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं, और हम तो ऐसे कई फालतू के ख्याल आते रहते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, एक हिसाब से तो एक आदमी 24 घंटे में 60,000 ख्याल गुजरते हैं उसके दिमाग में से, और एक भी ख्याल किसी काम का होता हो तो पता नहीं। तो इन ख्यालों में आदमी उलझा हुआ है और इन ख्यालों से उसकी सारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। साइंटिफिकली वी लूज एनर्जी बिकॉज ऑफ दैट। और तीसरा, हमारे जो जज्बात हैं उनका तो हमें होश ही नहीं है। हम क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे हम एक दूसरे से पेश आते हैं, इसका हमें कोई ख्याल नहीं है। इन तीनों लेवल पर अगर हम बेहोशी से जीते हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। अगर हम काम ढंग से करें तो हमारी जिंदगी में तनाव नहीं होगा, हमारी जिंदगी में मन मुटाव नहीं होगा, हमारी जिंदगी में एक दूसरे के लिए कोई घृणा नहीं होगी, कोई हेटरेड नहीं होगा। लेकिन इस जीने के लिए खुश होना जरूरी है, खुश रहना जरूरी है, किसी दूसरे को खुश करना जरूरी है। ये ओशो के जीवन विजन का फंडामेंटल मतलब है। कई लंबी चारी बात हो सकती है लेकिन ये उनकी विजन का बेसिक है कि लाइफ इज प्रेशियस एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड लिव टुगेदर विद एवरीवन एंड कंट्रीब्यूट इनटू दिस लाइफ सो दैट द फ्यूचर जनरेशन कैन बेनिफिट फ्रॉम व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट टुडे। ओशो ने मजहबी दकिया नूसियत के खिलाफ आवाज बुलंद की, तो आप ये बताएगा कि ओशो क्या इंसानियत के लिए जो खिदमात हैं उनके हवाले से हम बात करना चाहेंगे कि उनकी इंसानियत के लिए क्या खिदमात हैं? हाँ जी, पहली बात तो ये है कि हम सोशल लेवल पे, जिसे कहते हैं समाज के लेवल पे, उन्होंने लोगों को जोड़ने के तरीके बताए। अब आप देखिए, यहाँ पर हम जहाँ सेंटर में हैं या जहाँ भी कहीं सेंटर हैं, तो हमारे यहाँ कम से कम 80 देशों से भी ज्यादा देशों से लोग आते हैं। हर मजहब के आते हैं, हर रेस के आते हैं, हर रंग के आते हैं, गरीब आते हैं, अमीर आते हैं, यंग आते हैं, ओल्ड आते हैं। इन सबको उन्होंने इकट्ठा किया क्योंकि उनके मैसेज का एक ही मुद्दा है कि हम सब एक हैं, हम सब बटे हुए नहीं। हमने बांटा है एक दूसरे को, बात अलग है, लेकिन बेसिकली एग्जिस्टेंशियली हम सब एक ही हैं। और इसलिए वो चाहते हैं कि ये एक होना तभी पॉसिबल है जब हम बदलना सीखें। अनलेस वी बिगिन टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्म, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक तो कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल लेवल पर यह है कि उन्होंने सबको जुड़ना सिखाया। दूसरा, इंडिविजुअल लेवल पे उन्होंने हमको मेथोडोलॉजी दी, उन्होंने हमको एक तरीका दिया जिसे कहते हैं कैसे चेंज करना, कैसे बदलना, हमारी एनर्जीज को कैसे बदलना। अब जैसे मान लीजिए कि गुस्सा एक एनर्जी है, क्या हम उस गुस्से को बदल करके हम इश्क में, मोहब्बत में हम बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। या हमारे भीतर हेट्रेड है, क्या हम हेट्रेड को इश्क में बदल सकते हैं? हमारे भीतर ग्रीड है, हम क्या ग्रीड को हटा करके और शेयरिंग में जा सकते हैं? जा सकते हैं, लेकिन उसका तरीका मेडिटेशन है। मेडिटेशन इज द एंटीडोट टू द होल प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग टुडे। और इसलिए उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पर मेडिटेशन बताया ताकि हमारी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सके। और तीसरी बात मैडम मैं बताऊं आपको, कलेक्टिवली मैं समझता हूं कि जितनी इज्जत, जितना रिस्पेक्ट उन्होंने औरतों को, विमेन को, उनकी डिग्निटी को दिया, उतना शायद ही किसी ने दिया हो। क्योंकि वो कहते हैं कि जो स्त्री है, जो औरत है, वही इस जीवन को संभालती और संभाल सकती है, उसको पूरी इज्जत देना। और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, जो मर्द है और औरत है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ जी करके काम करना है तो ये दुनिया बहुत बढ़िया, बड़ी बेहतरीन दुनिया बन सकती है। इसलिए जो ओशो से जुड़ते हैं या जिसे हम कहते हैं इनिशिएट होते हैं ओशो के साथ, उन स्त्रियों को हम माँ कहते हैं। माँ का मतलब ये है एक क्वालिटी ऑफ मदरहुड, हम उसे माँ की तरह देखते हैं। और वो माँ सभी को एक्सेप्ट करती है, सभी का ख्याल रखती है, सभी का भला चाहती है, कोई माँ किसी का बुरा चाहेगी। तो इसलिए एक तो कलेक्टिवली उन्होंने मदरहुड को बहुत सिग्निफिकेंस दिया। दूसरा, कलेक्टिवली उन्होंने कहा कि हमें हमारी सारी जो पुरानी बातें हैं, जो कंडीशनिंग है, जिस तरह से हम जीते आए, उसको छोड़ना पड़ेगा। आज नए ढंग से इस मोमेंट को कैसे जीना, आज इस घड़ी पर कैसे जीना, और आगे वाला जो दुनिया, आगे वाली दुनिया आएगी, उसके लिए हम क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, अभी नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे। आज जिस तरह की दुनिया बनी हुई है, क्या यही दुनिया छोड़ के जाएंगे अपने बच्चों के लिए? वो बच्चे फिर क्या क्या पाएंगे उसमें से, उनका क्या भला होगा? क्योंकि वो देख ही रहे चारों ओर, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे उन्हें ये लगे कि हाँ मुझे जीना चाहिए, क्योंकि हम तो सब मरने मारने पर तुले हुए हैं। तो ओशो के कंट्रीब्यूशन में सोशल लेवल पे सबको जोड़ने की कोशिश की, इंडिविजुअल लेवल पे उन्होंने मेडिटेशन दिया, उन्होंने रास्ता बताया, तरीका बताया, और कलेक्टिवली मेन एंड वीमेन, आदमी और पुरुष और स्त्री दोनों साथ में मिलकर के काम करें, उसका भी उन्होंने मैसेज दिया।
उनका पैगाम ये है कि दुनिया में जितना प्रेम बढ़ेगा, जितने लोग मोहब्बत से जी सकेंगे और जितना होश बढ़ेगा, होश और प्रेम ये दो उनके जो है रास्ते हैं, उन्होंने बताया इन दो रास्तों से हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके सिवा और कोई दूसरा तीसरा रास्ता है नहीं। क्योंकि आदमी जब होश से जीता है तो वो एक दूसरे से प्यार से भी जी सकता है, क्योंकि हम बेहोशी में जीते हैं इसलिए प्यार से नहीं जीते, इसलिए मरने मारने पे उतर आते हैं। होश से जीने का मतलब यह है कि हर आदमी जाने कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैं क्यों ये सोच रहा हूँ, मेरे 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 जीवन में ये क्या फर्क पड़ रहा है, मैं कैसे बदल जाऊं, ये होश की सारी जो प्रोसेस है उसको उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है, मेडिटेशन। ओशो की तालीमात प्यार और मोहब्बत और अमन का दर्स देता है, तो आप ये बताएगा कि ओशो की तालीमात मौजूदा दुनिया के साथ क्या मुसाबिकत रखती हैं? एक तो ये है कि आज चारों ओर वायलेंस है। वायलेंस जो है वो तीन तरह से हो सकता है। एक तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है, जो कि हम सब देखते हैं चारों ओर एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा है। लेकिन एक और भी वायलेंस होता है जो इंडिविजुअल और सोसाइटी के बदले में होता है, जैसे कि हिटलर है, हिटलर ने पूरी सोसाइटी को तबाह कर दिया। और दूसरा तीसरा वायलेंस होता है सोसाइटी टू सोसाइटी, एक ग्रुप एक समाज एक जत्था जो है वो दूसरे जत्थे को मारने पर लगा रहता है। ये सारा वायलेंस का वातावरण, सारा कोहराम, सारा जिसे कहते हैं एटमोसफियर बना हुआ है। इतना ही नहीं, बट वी आर ऑल्सो वायलेंट अगेंस्ट द नेचर। अब जैसे कुदरत ने जो आज हमारे ऊपर इतना सारा, हम जब देखते हैं चारों ओर जो तबाही मचा रखी है, उसका कारण हम है। हमने जिस तरह से जिया है उसमें इस कुदरत के साथ हमने दोस्ती नहीं रखी, दुश्मनावट रखी है। इसलिए वो ये चाहते हैं कि एक आदमी अगर सच में अगर प्यार करता हो, जीवन से प्यार करता हो, अगर एक दूसरे से प्यार करता हो, अगर कुदरत से प्यार करता हो, तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्योंकि ओशो ने कोई मजहब नहीं दिया, वो तो ये कहते हैं, जैसे किसी ने कहा है, शायद आपने सुना होगा, इश्क तो खुद एक ईमा है यारों, इश्क का कोई ईमा नहीं होता। तो उन्होंने इस तरह से बताया कि कैसे हम रिलेट करें, हाउ टू रिलेट विद द सोसाइटी, विद पीपल, विद नेचर, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली इफ वी आर अवेयर, इफ वी आर कॉन्शियस, इफ वी आर मेडिटेटिव, होश में होकर तो पॉसिबल है। अगर होश नहीं है तो वायलेंस तो होता रहेगा, और ये वायलेंस पूरा होना होगा नहीं तो आगे की जो जनरेशन है उसको हम कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे, बजाय एक बयाबान एक पूरी दुनिया को छोड़ के जाएंगे, और तो कुछ नहीं होगा। तो अगर उनका बेसिक कंट्रीब्यूशन तो दो ही है, प्रेम यानी मोहब्बत और होश, इन दोनों के आधार से अगर हम जिएंगे तो हम इस दुनिया को भी जन्नत बना सकते हैं। हमारे सुनने वालों के लिए आप ये बताएगा कि ओशो का पैगाम क्या है लोगों के लिए? मैसेज तो ये है कि एक ऐसी दुनिया बने कि जिस दुनिया में कोई भी बंटवारा ना हो, हम सब एक हों, और एक है ही, ये सारे बंटवारे हमने बना रखे हैं, हमारे दिमाग से निकले हुए हैं। बाकी कायनात जो है, पूरी सृष्टि जो है, पूरा जो यूनिवर्स है वो एक है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देखिए, एक घास का तिनका भी सूरज के साथ जुड़ा रहता है। अगर इतना जुड़ाव है घास के तिनके का सूरज के साथ, तो हमारा कितना जुड़ाव हो सकता है? तो अगर ओशो के जन्मदिवस पर कोई मैसेज देना है तो ये है कि हम एक हैं, एक बन के रहें, एक दूसरे को हम सहायता करें, सपोर्ट करें, ताकि हम जी सकें। जीने से बढ़कर और दूसरा पैगाम उनके पास नहीं है, लेकिन होश से जीना, प्रेम से जीना, ये दोनों उनके मैसेजेस हैं, जिससे कि हमारी कॉन्शियसनेस को आगे एक छलांग ले सकती है और एक नई दुनिया, एक नया आदमी, एक नया, जिसे कहते हैं कि इस दुनिया को नया रंग, नया रूप हम दे सकते हैं। थैंक यू सो मच विदान साहब, आपने टाइम दिया। आपको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके सारे सुनने वालों को भी मेरा शुक्रिया। आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, और मैं खास तौर से आपको बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतना समय दिया ताकि मैं आपके सारे सुनने वालों के साथ में बातचीत कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। किसका सहारा ढूंढता है तो किसका सहारा।